सो फाइनली यूट्यूब अपना खुद का एडिटिंग सॉफ्टवेयर लेके आ गया। जी हाँ, बहुत ही गजब किया है यूट्यूब ने कि अपना खुद का जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो, जैसे पहले क्या होता था, जितने भी यूट्यूबर थे, चाहे नए थे चाहे पुराने थे, वो क्या करते थे कि फिल्मोरा, टाइम मास्टर, वीएन, इनशॉट, ये सारी ऐप यूज़ करते थे वीडियो एडिटिंग के लिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो बड़े यूट्यूबर या फिर बड़े क्रिएटर कह लीजिए हैं, उन्हें अपना पैसा पे करके वो जो वहाँ पे उनका लोगो आता था उसको हटा देते, बट जो छोटे यूट्यूबर थे उनके पास उतना पैसा नहीं होता था कि वो, और जो वहाँ पे देता था कि उनका नाम, जैसे कि हो गया लोगो, हो गया जिसे बोलते हैं, उसको हम रिमूव नहीं कर पाए। बहुत ही अजीब सा लगता था हमारे वीडियो में। सो फाइनली यूट्यूब ने अपना खुद का लॉन्च किया है। कौन सा ऐप है और कैसे एडिटिंग, क्या चीज़ें प्रोसेस है और कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, अगर आप भी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपका दोस्त नीरज कुमार, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई, जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी हम कोई भी वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कह लीजिए एडिट करना चाहते हैं, तो हमें काइन मास्टर और वीएन या फिर फिल्मोरा यूज़ करके करते थे। और अगर आप मोबाइल पे कर रहे थे तो इनशॉट हो गया और काइन मास्टर हो गया, और ऐसे इनशॉट, काइन मास्टर, वीएन, ये सारी ऐप थी जिसका यूज़ करके हम अपने वीडियो को एडिट करते थे, ये सारे सॉफ्टवेयर थे। बट अभी यूट्यूब ने अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है कि जिससे आप अपने वीडियो को खुद क्रिएट कर पाओगे, एडिट कर पाओगे। तो ये यूट्यूब काफ़ी कमाल का अपडेट लेके आया है और ये ऐप फिलहाल इस समय आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र है, ये आईफोन के लिए नहीं है, अभी तो सिर्फ ये एंड्रॉयड के लिए आया है। अब आईफोन के लिए कब आएगा, जब भी आएगा वो अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और यहाँ ये ऐप काफ़ी गजब का है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे हम लोग फिल्मोरा वगैरह, ये सब काइन मास्टर, ये सब ऐप यूज़ करते थे, वहाँ पे हमें बैकग्राउंड म्यूजिक, चाहे ब्लॉग हो चाहे कोई भी वीडियो हो, तो वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक जब हम यूज़ करते थे, तो हमें कहीं ना कहीं डर रहता था कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक हम यूज़ कर रहे हैं शायद उस पर कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है। बट इसमें ऐसा नहीं, वहाँ पे खुद का सारा कुछ दे दिया है। आप वहाँ पे म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं और फोटोज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं ऐप में। अगर आप चाहें तो कोई भी नाम वगैरह, जैसे होता है ना कि आप अपने नाम टैग्स वगैरह, ये सब काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब की तरफ से काफ़ी गजब का सॉफ्टवेयर आया है। और अगर आप भी एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप इसे इजीली यूज़ कर पाओगे। और इसका फुल ट्यूटोरियल मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर बताऊँगा कैसे आप, क्या क्या चीज़ें होती, कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था बस यही था कि अगर आप भी एक एंड्रॉयड यूज़र हैं, वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते, तो ये ऐप काफ़ी बेहतरीन है YouTube की तरफ से। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं उस ऐप को। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर, और ये जो अपडेट आया है YouTube की तरफ से, ये अपडेट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।